बांदा के मोहकर गांव में आग के तांडव ने करीब 10 घरों को तबाह कर दिया। एक घर में लगी आग देखते ही देखते विकराल हो गई। फायर ब्रिगेड के देरी से पहुंचने पर ग्रामीण गुस्से में नजर आए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। पहले एक घर में आग लगी थी। गांव वालों का कहना है कि फायर ब्रिगेड को कई बार फोन किया गया, पर फायर ब्रिगेड एक घंटे बाद पहुंची। देखते ही देखते करीब 10 घरों को आग ने चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से करीब 10 लाख का सामान जलकर राख हो गया। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से गांव वालों में आक्रोश दिखा। गुस्साए ग्रामीण सड़कों पर भी उतरे, जिसकी वजह से काफी देर तक जाम भी लगा रहा। आग की वजह से घर में रखा अनाज व सामान जल गया है। बाद में पहुंचे प्रशासन ने स्थिति को सामान्य किया। एकदम शटर से आग का धुआं उठा, तो उसमें हमने नहीं देखा कहां से आग लगी। वैसे बीच से आग धुआं निकलना शुरू हुआ। इसमें हमारा नुकसान कम से कम 3-3.5 लाख का नुकसान हुआ। इसमें कम से कम 3-4 मकानों में आग लगी हमारा। सर इतने हमारा टाइम नहीं मिला था, क्योंकि हम घर में अकेले थे, हमारा दिमाग नहीं काम किया। तो पानी वाले को फोन कर दिया गया, कोई समय पर नहीं आया, तो आग सगले फैल गई। लगभग 7-8 पूरा हो गया। एक खाने खाने दाना नहीं है। आग लगभग 3 बजे के लगभग ये आग लगने की सूचना मिली थी, जिससे पुलिस मौके पहुंच गए, आग पे काबू पा लिए और बाकी अब मामले की जांच की जा रही है। आग के कारणों का पता किया जा रहा है, उस आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं, सभी वाहन सही दिशा में है। सिर्फ ट्रैफिक रुकवाया गया था, आग पे काबू पा के ट्रैफिक फिर शुरू करा दिया गया। अभी इसकी जांच की जा रही है। लगभग 4-5 घरों में आग लगी।